मैं सभी सिख गुरुओं को भी नमन करता हूं। कुछ ही दिन में बैसाखी भी आने वाली है। मैं आपको बैसाखी की भी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यहां पीलीभीत के साथ ही बरेली की जनता जनार्दन के दर्शन का भी सौभाग्य मिला है और सब जोर एक ही संदेश है, बहुत ही स्पष्ट संदेश है, एक ही गुंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार। साथियों, हम बचपन से सुनते आए हैं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते में बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये बोल भारत की वीर परंपरा के प्रतीक है। ये बोल दिखाते हैं कि लक्ष्य कितना ही कठिन क्यों ना हो, भारत अगर ठान लेता है तो सफलता हासिल करके रहता है। आज इसी प्रेरणा से, इसी ऊर्जा से भारत के लोग, हम लोग विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रहे हैं। सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत ये दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप मुझे बताइए साथियों, भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हमारे चंद्रयान ने जब चांद पर तिरंगा फहराया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? भारत में हुए भव्य G20 सम्मेलन की पूरी दुनिया में वाहवाही हुई, प्रशंसा हुई, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? कभी कांग्रेस सरकारें दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोरोना के महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयां भेजी, वैक्सीन भेजी, ये सुनकर आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया में कहीं भी युद्ध का संकट आया, हम एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाए। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को भी पूरी श्रद्धा से भारत लाए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। आप मुझे बताइए, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? चारों तरफ डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है?
दुनिया के हर कोने में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ये कैसे हुआ? ये किसने किया? ये कैसे हुआ? किसने किया? आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है।